अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू जायका कानपुरी। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं अपने किचन में लच्छा पराठा। तो फिर चलें रेसिपी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है, यानी कि 200 ग्राम मैदा। इसके अलावा हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी, ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, इससे हम लेयर्स बनाएंगे पराठे की। ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, अगर आप घी खाते हैं तो चाहें तो देसी घी ले लें या डालडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तो इस रिफाइंड ऑयल से थोड़ा हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा लेयर्स बनाने में ऐड करेंगे। लेयर्स के लिए हमें और तेल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे। तो फिर चलें आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम मैदे में यहाँ पर डाल देंगे चीनी, नमक और ऑयल, थोड़ा ही सा हमने लेयर के लिए बचाया है। अच्छे से इसे मिक्स करना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। आटा लगाने के बाद आपको बताएंगे हमने कितना पानी इस्तेमाल किया। ये देखिए हमारा आटा लगभग अच्छे से भून चुका है और हमने 1 ग्लास पानी लिया था, तो देखिए इतना पानी बच गया है। और जितना खर्च हुआ है पानी, जितना इसमें पानी लगा है वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छे से लग चुका है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे इस तरह से, और अब हम इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो आधे घंटे हो चुके हैं, आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, तो फिर चलें अब बनाना शुरू करें। तो इसमें से हम छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। तो ये देखिए 200 ग्राम आटे में हम 5 पराठे तैयार कर लेंगे आराम से। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे इस तरह से, ताकि हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाने में आसानी हो। तो हमने 5 बॉल तैयार कर लिए हैं 2 कप आटे से, अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। आप अगर चाहें तो गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं इस मैदे में। तो पहले हमने इस तरह से बेल लिया है, अब हम इसमें इस तरह से तेल डाल देंगे। तेल ज़्यादा ही डालिएगा, तेल अगर ज़्यादा होगा तो आपका पराठा बढ़िया बनेगा, लच्छा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, इस तरह से अपने अपने तरीके होते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ऐसे करके। ये देखिए इस तरह से बना लिया है। अब ये दूसरा वाला देख लीजिए पराठा, दूसरे वाले को भी हम तेल लगाने के बाद इस तरह से ऊपर से मैदा डाल देंगे इस पर, ठीक है। अब इसकी लेयर्स हम इस तरह से कट करेंगे, देखिए हमने उसको दूसरी तरह से बनाया। अपने तरीके होते हैं, जिसको जैसे आसान पड़ता है वो वैसे बनाता है, हमें इस तरह से बहुत आसान पड़ता है तो हम इसी तरह से बनाते हैं। इस तरह से करके एक इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से भी एक बन गया है हमारा पराठा शेप, और एक शेप हमने इस तरह से बनाया है, ये देखिए इस तरह से हम बेल रहे हैं पराठे को। हमने आपको दोनों तरीके बताए कि कैसे आप शेप दे सकते हैं पराठों का, लेकिन जो दूसरा तरीका था वो बेस्ट है, उससे बहुत अच्छी लेयर्स आती हैं पराठों में। ये देखिए पराठा रेडी है, इधर पैन गरम हो गया है हमारा अच्छे से।
पैन अच्छे से गर्म हो गया था तब हमने पराठे को डाला है पैन पे, और फ्लेम हमारी हाई है। हाई फ्लेम में हम पराठे को सेक रहे हैं। पहले नीचे से जब अच्छे से पराठा हो जाएगा तब हम दूसरे साइड तेल लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे क्रिस्पी भी करना है, इसलिए पहले एक साइड से अच्छे से पक जाने देंगे। तो अब हम पराठे को पलट लेंगे इस स्पैचुला की हेल्प से। इसी तरह के चम्मच से अगर आप पलटेंगे तो बहुत आसानी से पराठा डन हो जाता है। तो इस तरह से हम इसमें तेल लगा देंगे पराठे में और फिर इसे पलट देंगे दूसरी तरफ, उधर भी हम तेल लगा लेंगे। तो अब हम दूसरी तरफ भी तेल लगा लेंगे इस तरह से। इन पराठों में तेल या फिर घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तभी अच्छी लेयर्स बनती हैं। तो हम तेल लगा लगा के इस तरह से प्रेस करते जाएंगे पराठे को ताकि सब तरफ से ये अच्छे से सिक जाए। हाई फ्लेम पर हम इसे सेकते हैं, इस वजह से ये बार बार ड्राई हो जाता है, इसका तेल सूख जाता है, इसलिए हम इसमें बार बार तेल लगाते जाएंगे ताकि ये पराठा सूखना नहीं चाहिए। अगर सूख जाएगा पराठा तो इसकी लेयर्स नहीं बन पाएंगी, इसलिए हर लेयर में हमें तेल लगाते जाना है। ये देखिए लेयर्स खुल के बाहर आई हैं क्योंकि हम इसमें तेल लगाते जा रहे हैं और इसे इस तरह से प्रेस करते जा रहे हैं। ज़्यादा तेल लगाने से ये क्रिस्पी भी हो जाएगा, इसलिए इसमें तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो अपने हिसाब से बनाए, लेकिन इसमें तेल ज़्यादा लगता ही लगता है। तो हमने फिर से इसे पलट लिया, फिर से हमने तेल लगाना इधर से शुरू कर दिया है और आप कलर देखिए पराठों में कितना बढ़िया आ रहा है और ये क्रिस्पी होते जा रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं पराठे। तो बस आप यहाँ पर पराठों को सेकने में बहुत ध्यान दें ताकि लेयर्स भी अच्छी आए और पराठे दिखने में अच्छे लगें और क्रिस्पी बने। तो हमारा पराठा देखिए आप कितने अच्छे से रेडी हो रहा है। ये पराठा दिखने में बिल्कुल कुलचे की तरह लग रहा है, जैसे हम नारी कुलचे खाते हैं तो उसी कुलचे की तरह लग रहा है। और इसकी लेयर्स देखिए किस तरह से ऊपर आने लग गई हैं, एक एक लेयर्स। और जब हम इसको खा रहे थे तो ये इतना क्रिस्पी था कि इसका चूरा नीचे गिर रहा था, इतना ज़्यादा हमने इसमें तेल वगैरह लगाया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था। तो ये देखिए इसकी लेयर इस तरह से अलग होने लगी और ये कितना क्रिस्पी बना है ये देखिए। तो इसी तरह से जो हमने दूसरा शेप पराठे का दिया था वो भी सेक लेंगे। आपको पराठे सेकने में बहुत ध्यान देना है, बहुत अच्छे से सेकना है, बहुत ही पेशेंस के साथ, तभी अच्छी लेयर्स बाहर आएंगी। और जो मैंने लेयर्स निकालने वाली वीडियो शूट की थी वो पता नहीं मुझसे कैसे मिस हो गए, इसलिए मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा पाई कितना क्रिस्पी बना है। तो इसी तरह से हम सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।